नमस्कार। सो जब से स्टेट्स राउंड टू का रिजल्ट आ गया, तब से जैसे कहते हैं ना, फ्रॉड एजेंट्स या फ्रॉडस्टर्स की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं और काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं, और मेरे भी कुछ काफ़ी क्लाइंट्स के पास जा रहे हैं जो मेरे करंट क्लाइंट्स हैं, और ना कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए हम तो सीधी काउंसलिंग करते हैं और बता देते हैं भाई जहाँ पर भी यू नो पॉसिबिलिटी होती है। और अक्सर जो ये लोग होते हैं जो आपको कॉल करते हैं और बताते हैं कि ये करा देंगे वो करा देंगे, अक्सर उनके यूट्यूब चैनल नहीं होते क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है दुनिया के सामने आने की। बट ये मैं वीडियो शायद अपने क्लाइंट्स के लिए बना रहा हूँ कि यू नो अलग 10 लोगों को मैं समझा के थक जाता हूँ, तो मैंने कहा 5 मिनट का वीडियो बना दूँ फिर से। वैसे मैं कई बार पहले बना चुका इसी चीज़ से रिलेटेड। और देखिए मैं हमेशा समझाता हूँ कि जब हम कहते हैं कि यू नो बिना काउंसलिंग के सीट मिल रही है, वो चीज़ तो है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान में अल्टीमेटली तो काउंसलिंग से ही सीट मिलती है, फ़र्क बस ये होता है कि बिल्कुल कुछ कॉलेजेस हैं जो फ़िलहाल मैं वीडियो में नाम नहीं ले सकता, कि जब ऑफलाइन राउंड होता है, ऑफलाइन राउंड उस समय वो थोड़ा सा कह सकते हैं मसल पावर इस्तेमाल करके सिर्फ उन्हीं बच्चों को सीट देते हैं जिनसे पहले बात हो चुकी होती है, करेक्ट। और ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं गिनकर, राइट। और वो गिन के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, देखिए बोलना अच्छा लगता है वीडियो में, बट अगर आप समझदार हैं तो आप समझ लेंगे। और वो पहली परिभाषा ही ये है कि वो यूनिवर्सिटी का कोई भी जो चेयरमैन लेवल का इंसान होगा या बहुत सीनियर होगा, वो आपसे डायरेक्ट बात करेगा, आप मतलब पार्टी से। स्पेशली मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देहरादून के दोनों शानदार कॉलेज जॉली ग्रांड एंड गुरु राम राय, और कुछ तो खासकर नॉर्थ के नोएडा में बैठे हुए एजेंट हैं जो फ़ोन पे फ़ोन मारे जा रहे हैं, उनके पास पता नहीं डेटाबेस कहाँ से आ जाता है। हम ये पक्का करा देंगे, वो पक्का करा देंगे, पिछले साल 4 सीटें बची थी, 5 सीटें बची थी। तो अब सब लोगों के लिए पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो मैं आपको पहले वीडियो सबने समझा रहा हूँ ना, हर साल रूल बदलते हैं, हर साल प्रोसेस बदलती है। यूपी में सब सोच के बैठे हुए थे कि पिछले साल तो 150 नंबर पर सीट मिल गई थी, इस बार 236 राउंड वन में खट गया था और राउंड टू तो ऊपर चला गया, तो खाली रह गए ना। और यही मैं आपको समझा रहा हूँ पिछले 2 महीने से। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स लास्ट ईयर में हर स्टेट का थर्ड राउंड ऑफलाइन होता था, और जैसा मैंने कहा कुछ कॉलेज बिल्कुल हो सकते हैं जहाँ पर आपस में बातचीत होती है, लेकिन आज साल तो कई ने ऑनलाइन डिक्लेयर कर दिया, और यूपी ने तो चौथा राउंड भी ऑनलाइन डिक्लेयर कर दिया। और यूपी जो मुझे फ़िलहाल समझ में आ रहा है वो तो गजब है, क्योंकि राउंड 3 वो मॉपअप ऑफलाइन लेने वाला है राजस्थान की तरह, और राउंड 4 वो शायद ऑनलाइन लेने वाला है, जो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, पता चलेगा जैसे समय आगे बढ़ता है। अदर कॉलेजेस लाइक उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा आर श्योरली ऑनलाइन राउंड 3, राजस्थान इज़ ऑफलाइन, ठीक। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, जहाँ ऑनलाइन है वहाँ कोई कुछ खरीद सकता। फिर आप कहोगे सर अभी तो आपने सुबह सुबह वीडियो डाला था कि मध्य प्रदेश में NRI सीट मिल रही है नेगोशिएशन पे, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ और मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, कहीं पर भी कोई फिक्स नहीं है। तो थोड़ा सा इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश की व्यथा और मध्य प्रदेश और राजस्थान की व्यथा बिल्कुल सेम है। देखिए मध्य प्रदेश में भी हर कॉलेज में 2 तरह की सीटें हैं, एक नॉर्मल फीस और एक NRI। NRI 15% है, ह्यूज फीस है। मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना चलती है जिसमें तकरीबन फ्री पढ़ाई होती है, इसलिए प्राइवेट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो शायद इंडिया में हाईएस्ट है, इवन हायर देन कर्नाटका और केरला, क्योंकि बच्चों को सीट छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सबके लिए फ्री पढ़ाई है। अल्लाह सेंटिल आप वही जनरल कैटेगरी के इनकम टैक्स पे ही लोग हैं और आप चाहकर भी अपनी इनकम नहीं छुपा सकते। पर अब मध्य प्रदेश के कॉलेज की तरफ से देखिए, उन बच्चों से तो उनको 10-12 लाख रुपये साल के मिल रहे हैं, अब उन्होंने NRI की फ़ीस रखी हुई है, वैसे तो कहने को 40 लाख 35 लाख, वो भी 2-4 लोग दे देते हैं, सच बताऊँ अरविंदो इंदौर के, तो अरविंदो इंदौर जो कॉलेज है उसके लोग देते हैं पैसे, उसके अलावा बाकी सब नेगोशिएट करते हैं। बट वो नेगोशिएट भी तभी कर सकते हैं जब आपका पहले मेरिट में नाम आए, समझ रहे हो। तो चाहे वो आपकी पौंडीचेरी तमिलनाडु की डीम यूनिवर्सिटीज़ थी, चाहे वो मध्य प्रदेश की हैवी महंगी NRI सीट हो, चाहे वो राजस्थान की सीट हो, आपका नंबर मेरिट में तो आना ही चाहिए। दैट मीन्स अभी जब आप मध्य प्रदेश का NRI के थ्रू फॉर्म भरेंगे, अब ये लोग कर क्या रहे हैं जो वहाँ के एजेंट है जो वहाँ बैठे आपको डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, फिर से आप देखो ट्राई कीजिए, कौन मना कर रहा है, तुरंत मध्य प्रदेश का अपना NRI पेपर बनवाइए, अप्लाई कीजिए, राउंड 3 में आ जाएगा। मैं सिर्फ ये समझाता हूँ आप लोगों को बार बार, और फिर से मैं उत्तराखंड पे आऊँगा, कि आप ये मत सोचिए कि आपकी किसी से बात हो गई है, और भाई मध्य प्रदेश के केस में तो आप फिर से कॉलेज के चेयरमैन के सामने बैठोगे, राजस्थान में मैंने बोला था आपको बिठाया जाता है, फिर भी कुछ पक्का नहीं है। देखिए बेसिकली एक लाइन में समझाता हूँ कि वो अपनी इंश्योरेंस ले रहे हैं, अपनी कैसे कि फलाना कॉलेज में इस समय NRI की शायद महावीर में तो 26 सीटें हैं, खैर वहाँ जाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत ही बिलो एवरेज कॉलेज है, बट कोई और ढंग का कॉलेज चिरायू हो गया या RKDF हो गया या मलतास,
सीट मैट्रिक्स आया हुआ कि इसमें कितनी सीटें अभी बची हुई हैं। अब मध्य प्रदेश का वो कॉलेज तो चाहता है कि भाई एक NRI आ जाए जो मुझे पूरी फीस दे दे, जो उसकी पहली चॉइस है। वो नहीं आ रहा तो कम से कम आधी फीस देने वाला आता है NRI की, क्योंकि अगर कोई NRI अप्लाई नहीं करेगा तो लाइक जो इंडिया में रूल होता है वो NRI सीट नॉर्मल सीट बन जाएगी, और वो नॉर्मल सीट मध्य प्रदेश डोमिसाइल के बच्चों को मिलेगी, वो भी 10 लाख की फीस में। तो किसका नुकसान हुआ? कॉलेज का। तो इसलिए कॉलेज आपको बुला रहा है कि भैया फॉर्म भरो, पर आपको तो मैसेज आपको ऐसा आता है जस्ट क्वालिफाई में सीट गारंटी। देखिए, जस्ट क्वालिफाई में सीट की गारंटी इसलिए हो जाती है कि ठीक है ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, राउंड टू तक साबित हो गया है, पर चूंकि अब वो लोग कॉलिंग कर करके आपको बुला रहे हैं, पता चले कि जिस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आपने ट्राई मारा उस कॉलेज में आपसे ऊपर के लोगों ने सीटें ले ली सारी, क्योंकि वो नेगोशिएशन भी बहुतों से कर रहे हैं। तो अगर उनके पास 20 सीटें बची हैं ना, वो 20 से बात नहीं करते कॉलेज, वो 30 से बात करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कल को पता नहीं कोई रिपोर्ट करने आए ना आए, या अल्टीमेटली फॉर्म फिल करो ना करो 2 दिन बाद, तो वो तो एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि तो जो मैंने आपको राजस्थान का बताया था, तो अब टाइम आ गया, मैंने कहा था जब राजस्थान राउंड 3 आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। सेम मध्य प्रदेश राउंड 3 है, आज से स्टार्ट होगा उसका, अभी 5 दिन का टाइम है, हड़बड़ी मत कीजिए, और सोच समझ के आप नेगोशिएट करेंगे पहले कि ठीक है जी इस कॉलेज में मुझे इतने का पैकेज मिलेगा। कॉलेज के चेयरमैन से आपकी मीटिंग हो तो आप अगले 2 दिन में जाइए जहाँ भी आपको मध्य प्रदेश में जाना है, जो आपको सूट करता है, जो आपको पैकेज सूट करता है, वहाँ बैठिए, वहाँ कमिटमेंट लीजिए कि ठीक है जी मैं अभी कहने पर NRI की तरफ से मध्य प्रदेश भरने वाला हूँ, अगर मुझे सीट अलोकेट होगी तो आप मुझे इतनी फीस में दे देंगे। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया। सिमिलरली अब जो मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी 2-3 क्लाइंट हैं जो बिल्कुल जॉली ग्रांट और श्री गुरुराम राय चाहते थे और बेचारे रह गए हैं। सर किसी का फ़ोन आ रहा है 8 लाख में दिला देंगे, 10 लाख में दिला देंगे, जॉली ग्रांट कोई 20 भी मांग रहा है। तो मैं उनको ये कहता हूँ, मैं कहा यार इतना शानदार कॉलेज अगर कोई ऊपर से खाली 8 लाख रुपये दे दे, और तुम मैनेजमेंट की तरफ से देखो जो इतना लंबा चौड़ा चला रहे हैं अस्पताल, जहाँ हज़ार बेड के अस्पताल हैं। मैंने आपको याद है मेरे वीडियो में समझाया था कि 1000 बेड का अस्पताल मतलब साल का 1000 करोड़ का रेवेन्यू, वो 5 बच्चों से 8 लाख रुपए, 8-5 40 लाख रुपए लेने के लिए इतनी मगजमारी करेगा? ये जो 8 लाख है ना, ये खाली वो एजेंट अपनी जेब में रख लेते हैं और आप कुछ नहीं करते, वो आपके लिए सिर्फ फॉर्म फिल किया जाता है और भगवान भरोसे छोड़ा जाता है। हाँ, लास्ट ईयर बिल्कुल 5 सीटें मॉपअप राउंड में बच गई होगी, क्योंकि मॉपअप ऑफलाइन था। हाँ, क्योंकि ऑफलाइन मॉपअप में लोग कम पहुँचते हैं, तो जो पहुँच गए शायद उसको मिल गया होगा, शायद 200 नंबर में गुरुराम राय मिल गया होगा, बट वो लास्ट ईयर था जब 3rd ईयर ऑफलाइन था और अपने आप सीट मिलती है उसमें, तो फिर आप उसको भी खाम का 6-8 लाख रुपये क्यों दे रहे हो? आप रिस्क लीजिए 4th राउंड का, क्योंकि इस बार तो उत्तराखंड राउंड 3 ऑनलाइन है, तो जब ऑनलाइन में तो सब कुछ सबके सामने हो रहा है। तो पहले ही देखिए राउंड 1 राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है, जिन लोगों ने उत्तराखंड में राउंड 2 की सीटें ली होंगी वो क्यों ली होंगी, क्योंकि वो ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर भी मैं मान के चलता हूँ अभी हम बैठे हैं शायद 1-2 लोग जॉली ग्रांट ने ज्वाइन करेंगे, 3-4 लोग गुरुराम राय ने ज्वाइन करेंगे, 8-10 लोग गौतम बुद्ध ज्वाइन नहीं करेंगे मैं मानता हूँ। शायद उनको पैरेलली कहीं और सीट मिल गई है, UP में मिल गई है या हरियाणा में कम बजट की मिल गई है, बेटर कॉलेज मिल गया है, बिल्कुल ठीक है, साउथ में कहीं मिल गया है। फिर राउंड 3 में तो ऑनलाइन है, फिर से लोग अप्लाई करेंगे, पुराने बच्चे अपग्रेड अलाउड है उत्तराखंड में, तो जॉली ग्रांट गुरु राम राय वाले बच्चे जॉली ग्रांट जाएंगे, गौतम बुद्ध वाले बच्चे श्री गुरु राम राय जाएंगे, ये भी मान के चलिए ठीक है, क्योंकि वो अपग्रेड के लिए मांगेंगे, जिन्होंने इससे में जाके रिपोर्ट कर दिया है, तो आपके पास क्या बचेगा? अगर बचेगा भी तो गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध ही आपको लेना है, तो वैसे भी आपके पास और बहुत ऑप्शंस हैं सेम बजट और सेम नंबर में और सेम क्वालिटी ऑफ कॉलेज में। तो बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक इस बार कैसे बचेंगी 4th राउंड के लिए सीट, क्योंकि सब लोग अपग्रेड भी तो मारेंगे ना। तो जॉली ग्रांट की अगर राउंड 3 में 3 सीटें आ भी गई तो जो 414 मानती है कट ऑफ थी राउंड 2 में, तो 400 नंबर वाला 408 नंबर वाला ये शायद पहले 420 नंबर वाला जिसे गुरु राम राय लिया हुआ था वो भी तो राउंड 3 में अपग्रेड कर रहा है, और आपके 450 नंबर ही अगर होते तो आपको ऑलरेडी भी तो जॉली ग्रांट मिल चुका होता। कुछ बात समझ रहे हो? तो कैसे मिलेगी सीट? तो चलो समझदारी से डिसीजन लीजिए, समझदारी से काम लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ साइड गेट है वहाँ लॉजिक है। तो राजस्थान मैंने आपको एक बार समझाया कि भाई मेरिट से ही सीट मिलेगी, राउंड 3 अब आएगा ऑफलाइन जयपुर में होगा, पहले राजस्थानी को सीट मिलेगी, क्योंकि उसमें रूल ये है कि राजस्थानी का 140 नंबर भी नॉन राजस्थानी के 600 से भारी है, उसको ऑफर किया जाएगा सारी सीटें। पूरा राजस्थान जब खाली हो जाएगा राउंड 3 के दौरान, मतलब जो बच्चे बेसिकली, तो नॉन राजस्थानी को बुलाया जाएगा मेरिट से। तो नेगोशिएशन मतलब ये होता है कि आपने पहले से बात करके रखी हुई है कॉलेज से कि जी मैं उस दिन आऊँगा, अगर मुझे सीट मिल रही होगी तो मैं इतने बजट में लूँगा। कॉलेज बोलेगा हाँ, तो पहली बात आपके नंबर तक सीट बची हुई हो,
जब आपका मेरिट से नंबर आएगा और उस टाइम पे आपने बात पहले कर रखी है कि भाई सबके सामने हो रहा, अथॉरिटी ने बोला हाँ जी आपको सीट मिल रही है अमेरिकन की अनंता की, उसकी ऑफिशियल फीस तो 25 लाख है जो आप देना नहीं चाहते 1.3, बट आपने कॉलेज से पहले ही 20 लाख के डिस्काउंट की बात कर रखी है। कॉलेज वाले वहाँ बैठे ही होते हैं, आपके पास एक कमिटमेंट है, आपके पास नाम नंबर है जिससे आपने बात की है, आप साइड पर डेस्क पर जाते हो और बोलते हो कि जी मैं सीट तभी ले रहा हूँ जब मैं आपसे रिकन्फर्म कर रहा हूँ कि मेरी आपसे इस ये इसमें इतने में बात हो रखी है। ऐसी मध्य प्रदेश में तो लेकिन राउंड 3 ऑनलाइन होने वाला है, सेम लॉजिक फिर चलता है कि उसके हिसाब से आपको NRI सीट अलोकेट की जाएगी, राइट। जब आपने पहले बात कर रखी है और आप यही बात करते हो इस समय कि जब मुझे भाई NRI सीट मिलेगी, मैं इसी शर्त पे भर रहा हूँ फॉर्म कि मेरे पास पैसे नहीं है पूरे देने के, तो आप मुझे कमिटमेंट कर रहे हो कि जब मेरी अलॉटमेंट अगर आ गई तो आप मुझे इतनी फीस में सीट दे दोगे। सिमिलरली पौंडेचेरी तमिलनाडु यूनिवर्सिटी जो भी आपने देखा राउंड 2 में रिपोर्टिंग्स हुई हैं वो सारी आई कैन अश्योर यू कि जो आपने MRP देखा है उससे कम में हुई हैं। कोई बेवकूफ़ी होगा जो पौंडेचेरी और तमिलनाडु की अदर देन मे बी श्री रामचंद्रा वो फीस दे के पढ़ने जा रहा है जो पूरी फीस लिखी हुई थी। हर एक कॉलेज में कम से कम 3 से 4 लाख पर ईयर का डिस्काउंट कमिट किया जाता है, उसके बाद ही जाके आप लोग भरते हो। जो आप में से 2-4 भोले लोग हैं उन्होंने शायद पूरी फीस पे कर दी होगी, ठीक है। तो समझिए बात को कि कहाँ पर साइड गेट अलाउड है, कहाँ नहीं है, कैसे पॉसिबल है। और साइड गेट मतलब ये मैंने बोला नेगोशिएशन वाला, राइट। तो जो डायरेक्ट सीट है वो मतलब ऐसे नहीं है कि आपको डायरेक्टली दे रहा है, वो अक्सर इसलिए मिल जाती है कि फीसें बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग भरते ही नहीं हैं तो इसलिए आपको मिल जाती है। और जो वो जो एजेंट होते हैं दे आर जस्ट हेल्पर टू यू, और इसलिए जो जेन्युइन एजेंट होगा वो 50,000 से 1 लाख रुपए लेगा, विच इज़ अ जेन्युइन सर्विस चार्ज फीस, राइट, जस्ट टू हेल्प यू एंड गाइड यू। पर जो 5-6 लाख रुपए मांग रहे हैं ना वो कोई जादू नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं करते एक्चुअली, वो काम तो 50,000 वाला कर रहे हैं बट आप खामखा में उनको 6 लाख रुपए दे रहे हो। जैसे एक लास्ट किस्सा ख़त्म कर दो, किसी ने मेरे को बुलाया कहता जी कोई बंदा है मौलाना आजाद दिला देगा 20 लाख में। मैंने कहा अगर मौलाना आजाद की अगर मैं 2 करोड़ रुपये मांगता ना मैं फिर भी मान लेता, 20 लाख में मौलाना आजाद पक्का मिल जाए तो पूरा हिंदुस्तान लाइन में लग जाए, क्योंकि आपकी सरकारी फीस तो हो जाएगी ना, फॉरगेट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज, भाई 20 और मौलाना आजाद की फीस तो 10,000 रुपये साल की, तो 22 लाख में मेरा पूरा काम हो जाएगा, तो लाइनें नहीं लग जाएगी लेने की। तो मैंने कहा मौलाना आजाद के 2 करोड़ रुपये मांगता ना फिर भी समझ में आता कि शायद कुछ जेन्युइन काम करने वाला है, बट 20 लाख मांग लिया तो समझ जाओ कि कुछ नहीं कर रहा। और इसको बोलते हैं इस दुनिया में ब्लफ, काम अपने आप हो रहा है लेकिन आपको डरा के विश्वास दे के आपसे पैसे ऐंठ लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, आप ठगो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दुख तब होता है जब आप ना इसके भरोसे बैठ जाते हो, क्योंकि उस बंदे ने कह दिया जी बड़े विश्वास से बोल रहे हैं 200% कमिटमेंट, और बाद में वो बंदा पैसे आपके वापसी भी कर देता है जब काम नहीं होता। आप बड़े खुश होते हो देखो जी मेरे पैसे वापसी कर दिए, लेकिन जो आपका साल ख़राब हो गया, क्योंकि ये जो वापसी होंगे ना ये हमेशा होंगे लास्ट में। जैसे बोलते जब चिड़िया चुग चुकी होगी खेत, जब काउंसलिंग हो चुकी होगी ख़त्म, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो जो भी आपको ऐसी सीट दिला रहा है या तो भाई अभी दिला, अब उत्तराखंड में भी राउंड 4 में दिलाई जाएगी अगर 4 हुआ तो, और तब तक तो पूरे हिंदुस्तानी काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी होगी ना। तो सोच समझ के ना इन बहकावों में आइए और फिर ज़रा समझदारी से डिसीजन लीजिए, ओके। और हमारी सलाह लेना चाहते हैं 9643362320 पे कॉल कीजिए, और चूंकि हम वही 50,000-70,000 लाख रुपए लेने वाले एजेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, और 2,500 रुपये लेके आपको एक सलाह दे देते हैं 10 से 15 मिनट की फ़ोन कॉल पे, और 5,000 रुपये लेके मीटिंग करते हैं, हमारा पूरा पैकेज भी 50,000 से 1 लाख रुपए में ख़त्म हो जाता है, इस ऊपर तो किसी क्लाइंट से लेते ही नहीं है। तो इसलिए हम पहली बात करने की पैसे लेते हैं, जो आपसे 6 लाख रुपए लूटते हैं ना वही आपसे फ्री में बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, कॉल बैक करते हैं, हम तो किसी को कॉल बैक भी नहीं करते। आप में से कईयों ने वीडियो मेरे सुने होंगे, फ़ोन किया होगा आपको, हमारी ऑफिस से फ़ोन आया होगा, 2,500 मांगे गए, आप लोगों ने नहीं दिए, आप लोगों ने कहा कि नहीं कौन करता है पैसे से बात, और फिर कभी हमारे ऑफिस से आपको दोबारा फ़ोन नहीं जाएगा। यही हमारे काम करने का स्टाइल है, भगवान की दया है हम पे, हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, हमारा घर हमारा ऑफिस बहुत अच्छे से चलता है उन क्लाइंट से जो हम पे भरोसा करके हमें 2,500-5,000 देते हैं और फिर 50,000-1 लाख रुपए दे देते हैं, उतने से ही हम खुश हैं। हमें 8-10 लाख रुपए क्लाइंट से नहीं कमाने। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, टेक केयर, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर मनी एंड योर चाइल्ड करियर। बाय बाय।